नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो प्रदेश के कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर आपके समक्ष लाए हैं। तो इन कर्मचारियों ने बैठक बुलाई है, क्या खबर रहने वाली है आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो वेतन विसंगति दूर करवाने को रणनीति, HRTC कंडक्टर यूनियन ने 29 अक्टूबर को बुलाई बैठक। HRTC में नया वेतन आयोग लागू होने के बाद कंडक्टरों के वेतन में आई विसंगति को अभी तक दूर नहीं किया गया है, इससे कंडक्टरों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूनियन का कहना है कि कंडक्टरों का वेतन बढ़ने के बजाय कम हो गया है। यूनियन वेतन विसंगति दूर करने के लिए पिछली सरकार में भी संघर्ष करती रही और वर्तमान सरकार के समक्ष भी मामला कई बार उठाया जा चुका है। ऐसे में अभी तक सरकार की ओर से कंडक्टरों की वेतन विसंगति दूर करने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। ऐसे में अब कंडक्टर यूनियन वेतन विसंगति दूर करवाने के लिए रणनीति तैयार करेगा। वहीं कंडक्टर यूनियन ने 29 अक्टूबर को राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। यह बैठक यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण चंद ठाकुर की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में यूनियन वेतन विसंगति को दूर करवाने के लिए रणनीति तैयार करेगी। कंडक्टर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण चंद ठाकुर का कहना है कि इस बैठक में ठोस रणनीति तैयार होगी। उस रणनीति के हिसाब से वेतन विसंगति बहाल करवाने के लिए यूनियन अगला कदम उठाएगी। इस बारे में HRTC कंडक्टरों का कहना है कि जब राज्य 20 साल पुरानी पेंशन बहाल कर सकती है तो फिर HRTC कंडक्टरों की वेतन विसंगति भी जरूर करेगी। तो प्रमुख रूप से यही है बड़ी खास खबर कि हिमाचल प्रदेश के HRTC कंडक्टर वेतन विसंगति को दूर करवाने के लिए रणनीति बना रहे हैं। तो इसी को लेकर इन कर्मचारियों ने 29 अक्टूबर को बैठक बुलाई है। तो अभी के लिए यही है बड़ी खास खबर। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।